बेटे के शव को देने के लिए अस्पताल कर्मचारी ने मांगी 50,000 की रिश्वत, भीख मांगने को मजबूर दंपति। आइए जानते हैं इस शर्मनाक घटना के बारे में। एक बार फिर नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ाने वाली खबर सामने आई है, जिसको जानने के बाद हर किसी का दिल पसी जाएगा। लेकिन लगता है कि वहां के घूसखोर अधिकारियों के माथे पर इस बार भी कोई शिकन नहीं आएगी। खबर के अनुसार बिहार के समस्तीपुर की सड़कों पर एक बुजुर्ग दंपति अपने बेटे के शव को सरकारी अस्पताल से छुड़ाने के लिए भीख मांगता दिखा। अस्पताल के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर दंपति से अपने बेटे के शव को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए की मांग की। चूंकि दंपति के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो पैसे के लिए भीख शहर भर में घूम घूम कर मांग रहे। कपल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पिता ने कहा कि उनका बेटा कुछ दिन पहले लापता हो गया था। महेश ठाकुर ने ENI को बताया कि कुछ समय पहले मेरा बेटा लापता हो गया था। अब हमें फोन आया कि मेरे बेटे का शव समस्तीपुर के सदर अस्पताल में है। अस्पताल के एक कर्मचारी ने मेरे बेटे के शव को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए मांगे। हम गरीब लोग हैं, कैसे हम इस राशि का भुगतान कर सकते हैं? अस्पताल में अधिकांश स्वास्थ्य कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और अक्सर उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां स्टाफ ने मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे लिए हैं। हालांकि हर बार की तरह मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी ने कहा कि जिम्मेदार पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मानवता के लिए शर्म की बात है। तो यदि आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, तो हमें सुपर थैंक्स के द्वारा गिफ्ट भेज सकते हैं और अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं।